गुड मॉर्निंग बच्चों, शुभोदय बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। हाँ बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग अपने अपने घर में अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे, है ना बच्चों। यस, तो आज मैं आपको बुक नंबर 3 में से कुछ पार्ट पढ़ाने वाली हूँ। यस बच्चों, तो आपको क्या करना है, आपकी हिंदी की बुक नंबर 3 निकालिए और देखिए बच्चों, पेज नंबर पेज नंबर 29। यस बच्चों, पेज नंबर 29 निकाल दिए बच्चों। यस, ऑलरेडी आप लोगों ने है बच्चों अनमोल नियमन लेसन कंप्लीट कर चुके हैं, है ना बच्चों। तो अभी देखेंगे निर्माता कौन, फोर्थ लेसन में निर्माता कौन। यस चिल्ड्रन, निर्माता कौन, इसमें देखिए बच्चों, निर्माता यानी मेन एक्टर कहते हैं ना बच्चों। देखिए पात्र भीम, कुंभर, मिट्टी, बाल्टी, चक्का, आग और चुराई का मुट्ठा लगाए बच्चा। बच्चों इस चित्र में क्या दिया गया है, एक सुराई यानी कि सुराई पता है ना बच्चा आप लोगों को। हाँ, उस सुराई को बनाने वाले कौन कौन हैं, पांच बच्चे लोग इसका स्क्रिप्ट कर रहे हैं, यानी के निर्माता स्क्रिप्ट कर रहे हैं। किस प्रकार से बच्चों, देखिए यहाँ पर देखिए बच्चों, इस प्रकार से ये बच्चे स्क्रिप्ट कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें क्या है, सुराई मन मंच बना, बच्चा मंच के बीचे बीच खड़ा था, एक लड़का सुराई का इस प्रकार से यानी सुराई पहन के स्टेज पर आकर खड़ा हुआ था, मंच के किनारे चारपाई पर भीमा उम्र लेटा हुआ है, वह सुराई को बार बार देख रहा और खुश हो रहा था, यानी के एक लड़का उसमें सुराई का गेटअप डाला हुआ था, यानी के सुराई को पहन कर रखा हुआ था इस प्रकार से बच्चों। और इसके अंदर एक और लड़का बाजू पे बिस्तर पे लेटा हुआ था, वो लड़का कौन है बच्चों, मिट्टी का बर्तन बनाने वाला कुंभर। यस बच्चों, एक बच्चा स्टेज पे इस प्रकार से, एक बच्चा यहाँ पर लेटा हुआ, ये लड़का आराम फरमा रहा था, स्क्रिप्ट है ये, देखिए बच्चों। और भीमा चादर सिर तक ताने हुए अपने पास, मेरी मेहनत से ही सुराई इतनी सुंदर बनी है, यहाँ बड़बड़ाते हुए नींद आ गई। तो भीमा ने कुंभर का रोल किया, यानी कि मिट्टी के बर्तन बनाने वाला। तो वो सोच रहा था, वो उसने सुराई को देखकर कहा, कितना अच्छा सुराई बना हुआ है, ये मेरी मेहनत से ही इतनी अच्छी सुराई बनी हुई है करके वो सो गया। उतने में मिट्टी यानी के सुराई हिलते डुलते भीमा के सिराने आकर, अरे ओ सोने वाले, सोने से पहले यहाँ भी सुनता जा, इस सिराई को मैंने इतना सुंदर बनाया है समझा। तो ये लड़का क्या कर रहा, मिट्टी यानी के मिट्टी बना हुआ है यानी के सुराई, उसने बोला ऐसे ऐसे हिलते डुलते ओ सो जाने वाले, उठ के खड़े हो जा, इस सुराई को मैंने इतना सुंदर बनाया है समझा। तो मिट्टी बोल रही है कि ये तूने नहीं बनाया, मैंने ही इस मिट्टी को इतनी अच्छी तरीके से सुराई बनाई। तो बच्चों नेक्स्ट बाल्टी के यानी पानी छलकाते हुए, मिट्टी रानी मेहनत सारी मेरी, मैंने इसे बनाया सुंदर, तुम थी केवल धूल की ढेर। एक बकेट में हम पानी रखते हैं ना बच्चों। हाँ, जब हम कुछ मिट्टी की चीज बनाते हैं तो हमें पानी लगती है, पानी हम किस में लेते हैं, बाल्टी। तो बाल्टी क्या बोल रही है मिट्टी से कि तू तो सिर्फ एक मिट्टी का ढेर थी, पानी छलका के मैंने इसे इतनी अच्छी सुराई बनाई। चक्का यानी व्हील,
है ना बच्चों, व्हील, व्हील के ऊपर ही हम मटके बनाते हैं ना, या एक बार गोल गोल घूमकर अपनी अपनी कहो भैया मेरी भी सुनोगे, और चक्का ने गोल गोल घूमकर कहा कि क्या तुम मेरी भी सुनोगे या अपनी अपनी कहोगे, हाँ तुम दोनों तो कीचड़ मिट्टी या सच भी लो, तुम जानो बनी सुराई मेरे कारण, इसे सच है तो तुम ही अनजान। तो चक्का ने क्या कहा, ना पानी की वजह से बनी मैं, मतलब इसमें तो ज्यादा ज्यादा चक्का के वजह से ही मैंने ही बनाया, चक्का के वजह से ही उस सुराई बनी। भीम, आग, ला ला हाथ ऊपर उठाकर भवक ने अभिनय करते हुए, वाह जी वाह तुम सब बातें कच्ची करते, कच्चा काम तुम्हारा, तब कर मुझसे बनी सुराई असली काम हमारा। तो आग, बच्चों देखिए जब मटका बन जाता है, सुराई बन जाती है, उसे आग से तापना पड़ता है, तो जब मट्टी सूखकर घट हो जाती है, तो जब आग ने क्या कहा, यानी कि देखिए बच्चों ये है सुराई, ये है कुम्मर, ये है बाल्टी, ये है चक्का, ये है आग, यानी कि ये बच्चों एक स्क्रिप्ट कर रहे हैं। तो ये आग, आग वाले बच्चे ने क्या कहा कि तुम लोगों का काम कच्चा होता है, मेरा काम पक्का होता है, क्योंकि मैं सुराई को बनने के बाद आग से भापता हूं। भीमा, नींद से जाके अभिनय करते हुए, सब चुप हो जाओ, तुम सबकी बात सुनकर उपाय ध्यान में आया, क्योंकि ना सुराई से ये पूछे किसने उसने बनाया। तो यानी के ये एक भी कुमर, यानी के ये सुराई बनाया मैं, तो इसने कहा कि तुम सब लोग चुप हो जाओ, मैं सिर्फ सुराई से पूछना चाहूंगा कि तुम्हें किसने बनाया। सुराई एक एक बार सबके पास जाकर दोनों हाथ से उनके खाने तक तबा कर, किसी एक का काम नहीं है, सबकी मेहनत से शाम का मिलजुल कर शाम कर सबका कर सकता है, अच्छा अच्छे सुंदर सुंदर। तो सुराई बोली कि ये काम एक से नहीं होता, सब मिलके करने से ही ये काम बनता है। पहले तो भीमा कुमार, उसने क्या किया, बाल्टी में पानी लेकर उस मट्टी को कच्चा बनाया, कच्चा बनाते बनाते फिर उसको चक्का पे रखकर मटका बनाया, है ना बच्चों, बच्चा मटका बनाने के बाद आग से उसे थपाया, है ना बच्चों, जब जाकर सुराई बन गई। देखिए बच्चों, ये बच्चे लोग स्टेज पे स्क्रिप्ट कर रहे हैं, मिट्टी में कोई कोई वस्तुएं पैदा होती है, इसलिए हम मिट्टी में कचरा नहीं फेंकना चाहिए, मिट्टी से कई वस्तुएं बनती है, मिट्टी में हमें कोई भी कचरा नहीं फेंकना चाहिए। बच्चों देखिए कुमार, उसके बाद बाल्टी का पानी, उसके बाद चक्का, चक्का के बाद आग, आग के बाद सुराई, है ना बच्चों, जब पांच लोग मिलेंगे तो एक सुराई बना है ना बच्चों, इसीलिए हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए, जब हम मिलजुल कर एक हो जाएंगे तो कोई भी काम हमें पीछा नहीं करता, हम उसे पूरी पूरी कोशिश कर सकते हैं आसान बनाने की। समझ में आई बच्चों, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर एक ही मीनिंग दिया गया है, अभियान, नाटक, खेलना, नए शब्द, सुराई, मंच, बड़बड़ाते हुए, सिराने, कीचड़, अभियान। पार्ट से सोचकर बताइए बच्चों, भीमा क्या काम करता था, भीमा कुमार का काम करता था, मिट्टी ने भीमा को क्या कहकर बुलाया, मिट्टी ने भीमा को क्या कहकर बुलाया, ढेर मिट्टी, बाल्टी से मिट्टी को क्या मिलता है, पानी, चक्का कैसे घूमता है, गोल गोल, आगे को अपना काम कैसे आपको अपना काम कैसे लगा, भाप देकर अच्छा लगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर खा बीच में एक बार, बच्चों आपको अपनी हिंदी की क्लास बुक निकालनी है, और जो बोर्ड में मैं लिखूंगी उसी प्रकार आपको आपको क्लास बुक में लिखना है, पहले तो आपको आपके टेक्स्ट बुक में लिखना शुरू कीजिए।
देखिए बच्चों खाबित में किसने कहा किससे किससे कहा यानी के बच्चों देखिए वाक्य किसने कहा किससे यानी के वाक्य यानी के वर्ड्स किसने कहा और किससे कहा हाँ चिल्ड्रन तो देखिए बच्चों यहां पर मैंने इसे बनाया सुंदर तुम थी केवल धूल मिट्टी की ढेर किसने कहा बच्चों ये बाल्टी ने कहा किससे कहा बच्चों मिट्टी से यस बच्चों बाल्टी ने मिट्टी से कहा तुम तो दोनों थे कीचड़ के मिट्टी यहां सच भी लो तुम जान यानी के चक्का ने बाल्टी से कहा और थर्ड बने सब चुप हो जाओ भीमा किससे कहा सबसे या सिंड्रेन सबसे और किसी एक का काम नहीं सबकी मेहनत का सबका काम यानी के सबसे और सबसे ओके बच्चों तो आपको हिंदी की टेक्स्ट बुक में लिखना शुरू कीजिए उसे देखकर आपको आपकी हिंदी की क्लास और बुक में भी लिखना है स्टार्ट कीजिए बच्चों लिखना तो देखिए बच्चों यहां पर पेज नंबर में लिखकर बताइए आपको लिखना है मैडम इसकी आपको आंसर शीट देंगे उसमें से आपको लिखना है अगर हमारे शरीर को कोई भी एक अंग काम नहीं करे तो क्या होगा अगर हमारे शरीर में से एक भी अंग काम नहीं करेंगे तो क्या होगा बच्चों बहुत मुश्किल होगी किसी एक कार्य के बारे में बताइए जिसे आपके अपने सबके साथ मिलजुल कर किया है सोचकर बताइए बच्चों इस पाठ में एकता में बल है का सीख मिलती है इसका अर्थ जानकर बताइए कि किसी परिवार में या किसी कक्षा में एकता का क्या महत्व देखिए बच्चों एकता का बल यानी कि ये सब मिलके ही एक सुराई बना सके हैं यानी कि हम सब मिलकर कुछ काम करने की कोशिश करेंगे तो उसे हम जरूर पूरा करेंगे हमारा सहायक हमारी मदद करता है क्या हम उनके एक काम की प्रशंसा करनी चाहिए और उनसे नम्रता से बात करनी चाहिए हमारे घर में जो कोई भी काम करने वाले आते हैं हम उनकी इज्जत करना चाहिए और उनसे अच्छे से बात करना चाहिए है ना बच्चों यस तो देखिए बच्चों पेज नंबर 32 में काबिक में चित्र के सामने
उनके कार्य चुनकर लिखिए। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट वन कुम्मर यानी के मटके बनाने वाला। कुम्मर क्या बनाता बच्चों? कुम्मर यानी के मिट्टी के बर्तन बनाता है। या चिल्ड्रन, मिट्टी के बर्तन बनाता है। सेकेंड वन है डाकिया यानी के पत्र बांटता है। थर्ड वन है बढ़ाई, बढ़ाई यानी कारपेंटर लकड़ी का काम करता है। बच्चों फोर्थ वन है धोबी। धोबी क्या काम करता बच्चों? कपड़े धोता है। शिक्षक क्या करता है बच्चों? शिक्षा देता है। या स्टूडेंट, शिक्षा देता है। तो लिखना शुरू कीजिए बच्चों, नीट हैंडराइटिंग से आपके टेक्स्ट बुक में, आपके क्लासवर्क में आपको लिखना है। पहले आपको आपके टेक्स्ट बुक में लिखना शुरू कीजिए। ओके बच्चों, स्टार्ट। बच्चों, यस, yes।
टॉपिक में नीचे दिए गए शब्दों में एक शब्द बाकी शब्द से कुछ अलग है उसे पहचान कर गोला लगाइए, यानी के खाना पीना सोना और पिज्जा। यस बच्चों, खाना पीना सोना पिज्जा इन तीनों में कौन सा अलग वर्ड है? बच्चों खाना पीना सोना ये तीन सेम है, इसके अंदर पिज्जा अलग वर्ड है बच्चों, तो इसे आपको अंडरलाइन करना है। सेकेंड वन है भागना फुटबॉल खेलना और दौड़ना। तो देखिए बच्चों भागना खेलना और दौड़ना ये तीन सेम है, इसमें अलग है फुटबॉल। थर्ड वन है किताब पहुंचना तैरना और पढ़ाना। यस बच्चों इसमें से अलग कौन सा है? बच्चों पहुंचना किताब तैरना पढ़ना पहुंचना अलग है। फोर्थ वन है डरना भौंकना कुत्ता मियाना, यानी के सबसे अलग वर्ड क्या है बच्चों उसके अंदर डरना। ओके बच्चों तो लिखना शुरू कीजिए आपकी टेक्स्ट बुक में। वेरी गुड। तो देखिए बच्चों यहां पर कलम से चित्र को देखकर चाय बनाने की पूरी विधि कीजिए। कप से पानी नापकर एक बर्तन में उबालने को के लिए रखा है। सेकेंड बिट क्या है? देखिए चाय पत्ती डाल रहे हैं यहाँ पर दूध और यहाँ पर चीनी चाय छान रहे हैं। ओके बच्चों बस हो गई गर्म चाय तैयार। यहाँ पर देखिए धन्यवाद कार्ड, आपने घर में आपकी सहायता करने वाले किसी एक मददगार के लिए धन्यवाद कार्ड बनाइए, उसके नाम के साथ भी यहाँ भी लिखिए कि वह आपको क्या अच्छी लगती हूँ अच्छी लगती है अच्छा या अच्छा लगेगा। देखिए बच्चों आपके घर में या कोई भी
हेल्प करने आएगा, जैसे गार्डनर, आपकी मेड या वॉचमैन, कोई भी है बच्चों, उन्हें आपको एक थैंक यू का कार्ड बनाना है और उन्हें देना है, क्योंकि आपको वो क्यों अच्छी लगती है वो भी आपको लिखना है उसके अंदर। हाँ बच्चों, और नेक्स्ट डे खेल खेल में नीचे दिखे शब्दों को आ की मात्रा लगाकर नए शब्द बनाइए। नीचे खेल खेल में यस चिल्ड्रन, आ की मात्रा यानी के दल का दल, सेकेंड वन है हल का हल, थर्ड वन है बल का बल, फोर्थ वन है कर का कर, और फिफ्थ वन है चर का चर, और सिक्स्थ वन है टन का टन। लिखिए बच्चों, आपकी क्लास बुक में इसे लिखना है, लिखना शुरू कीजिए। फिनिश बच्चों, आपको आ की मात्रा लगाकर लिखना, यानी के इसके बीच में आपको आ की मात्रा लगाकर लिखना है। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट बिट है मिट्टी की कटोरी, कुम्मन ने चुड़ाई बनाई। आप मिट्टी की और भी कई चीजें बना सकते हैं। मिट्टी का एक गोला लीजिए, उसने अपने हाथों में रस्सी के जैसे लंबा करते हुए, जब वह लंबा हो जाएगा तो तब उसे गोल कर में मोड़ना शुरू कीजिए। हर गोले को दूसरे से चिपकाने के लिए थोड़ा पानी हाथ लगाइए। जब यह कटोरी आकार ले ले, आप उसे तेज धूप में सुखाने के लिए रख दीजिए। दो दिन में ही मिट्टी का कटोरी तैयार हो जाएगा। आपको करना है बच्चों, आप एक बार कोशिश जरूर कीजिए। है बच्चों, तो देखिए बच्चों, आज का आपका होमवर्क साक्षी में होमवर्क है बच्चों आपका। देखिए बच्चों, यहाँ पर चित्र को देखकर चाय बनाने की विधि पूरी कीजिए। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट में यहाँ पर एक बर्तन में पानी उबालने को रखा है, सेकंड में यहाँ पर क्या हो रहा है, थर्ड में यहाँ क्या हो रहा है, और फोर्थ में ये यहाँ पर किस तरह से चाय बनकर पूरी, आपको यहाँ नीचे लिखना है। ओके बच्चों, और इसकी होमवर्क है ये आपका, यानी कि पेज नंबर 33 में चाय बनाने की आपको लिखना है यहाँ पर नीचे, कि अभी हम लोग चित्र में देखकर लिखना है क्या कर रही है। एक यहाँ पर एक लेडी है, वो क्या कर रही है, यस चिल्ड्रन, चाय पत्ती डाल रही है, यहाँ पर दूध, यहाँ पर चीनी। तो उसी प्रकार से आपको लिखना है यहाँ पर नीचे, यस चिल्ड्रन, चाय बनाने की विधि, पूरी विधि लिखिए। होमवर्क वन टाइम यहाँ पर आपको लिखना है बच्चों, ये देखकर, चित्र को देखकर आपको होमवर्क लिखना है। जब आपका होमवर्क हो जाएगा बच्चों, तो आपको उसकी फोटो खींचकर मुझे स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करना है। ओके बच्चों, ये यहाँ पर क्या हो रहा है आपको यहाँ लिखना है, इस चित्र में क्या डाल रहे हैं उसे लिखना है। ओके बच्चों, आई बात समझ में, यस चिल्ड्रेन,
तो आप लोगों को आपका होमवर्क जरूर करना है और मैं आपका होमवर्क जरूर चेक करूंगी बच्चों। ओके बच्चों, बाय बच्चों, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। ओके बाय।